वेलकम एवरीवन आज के इस वीडियो में हम पहला जो चैप्टर है टर्म टू का इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर सेवन ये चैप्टर्स का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा उसके बाद जो जो क्वेश्चंस में मार्क करवाते जाऊंगा एक्सरसाइज वाइज वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व सोल्व होंगे तो आज के इस वीडियो में इंटीग्रल्स का जो एक्सरसाइज सेवन है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो पेज नंबर अभी मैं यहाँ पर थर्टीन में आ जाता हूँ थर्टीन मतलब आपका पेज हो जाएगा टू सो एन बुक में आप पेज टू जल्दी से ओपन कर लीजिए वो पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 हमारे सामने दिख रहा है 7.1 के टोटल फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से मार्क करते हैं और वो पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देन उसके बाद है सिक्सटीन एटीन और लास्ट में ट्वेंटी इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं बट टाइम की कमी की वजह से हम लिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसी किसी एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्व करना तो क्वेश्चन नंबर टेन हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर तो पूरे एंटायर का यहाँ पे स्क्वायर बताया गया है तो अगर स्क्वायर बताया गया है हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में ही इस स्क्वायर को खोल देते हैं स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इसको सिंपल लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर फिर प्लस वन अपॉन रूट एक्स ये एंटायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू टाइम्स ऑफ ए में आ जाएगा रूट एक्स बी में आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स फिर ये एंटायर का डी एक्स इसके बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रूट एक्स और स्क्वायर ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा सिंपल एक्स यहाँ पे भी सेम वन अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे रूट एक्स रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बचेगा तो माइनस टू बचेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इसका डी एक्स इसके बाद आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं स्प्लिट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टू के कोफिशियन में कुछ नहीं है यानी कि टू के कोफिशियन में एक्स पावर ज़ीरो है तो हम लोग इसको एक्स पावर जीरो लिख लेते हैं अब एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ये सारे को स्प्लिट भी कर सकते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर जीरो डी एक्स ये अभी इनिशियल पहला सवाल है इसीलिए मैं सभी चीज़ आपको अच्छे से आराम आराम से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बाद में हम लोग क्या करेंगे ये स्टेप्स को हम स्किप करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला भी यूज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा फार्मूला वाइज एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी एक कॉन्स्टेंट आएगा सी उसी तरीके से वन अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी तो ये सेम दो फार्मूला को यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं ये है एक्स पावर जीरो एक्स पावर वन आ जाएगा तो एक्स पावर वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स के बाद माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x पावर जीरो तो x पावर जीरो को अभी हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ x पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस वन फिर लास्ट में प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू x पावर वन प्लस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन इज टू प्लस लॉग ऑफ मॉड x माइनस टू टाइम्स ऑफ x पावर जीरो प्लस वन इज टू एक्स डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन इज वन डिनोमिनेटर में वन रहेगा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा प्लस सी सो फाइनली दिस इज योर आंसर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन को अगर सॉल्व करें ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है तो किसी भी तरीके से अगर हम एक्स माइनस वन कॉमन निकाल पाए तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कॉमन निकालने के लिए पहले दो टर्म से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं और लास्ट टर्म से हम सिंपल वन कॉमन निकालेंगे तो इसको मैं लिख के बताता हूँ पहले दो टर्म से एक्स स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा तो एक्स माइनस वन बचेगा समझाने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब पहला टर्म आ जाएगा माइनस एक्सक्वायर इंटू वन इज माइनस एक्स स्क्वायर फिर इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस वन कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू अभी हम न्यूमेरेटर से x माइनस वन पूरा ही कॉमन निकाल सकते हैं सो so, x माइनस वन तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन तो डिनोमिनेटर में जो x माइनस वन है वो न्यूमरेटर के x माइनस वन से कैंसल आउट हो जाएगा उसके बाद हम आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बस इतना ही बचता है जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया अभी वैसे स्प्लिट ना करके एक ही में अगर करें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री यानी कि टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन सो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जो बचेगा सी और ब्रैकेट में आप हमेशा लिखते जाइए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स that is equals to एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड by एन प्लस वन प्लस सी ये formula लिखेंगे अभी तो ये बेसिक formula है बाद में जाके ये कॉमन हो जाएगा बट जब आप बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे दूसरा फार्मूला लिखिए ये फार्मूला लिखने का वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा अभी बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए फार्मूला लिख ले रहे हैं अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो सिक्सटीन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं या एक ही बार में डायरेक्ट भी देख के कर सकते हैं बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होगा इसीलिए मैं स्प्लिट करके आपको बता देता हूँ आगे जब ये सिंपल हो जाएगा हमारे लिए तब मैं स्प्लिट और नहीं करूँगा सो टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो हमेशा हम बाहर निकाल सकते हैं माइनस थ्री टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि तीन फार्मूला कुछ यूज़ होंगे सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी और आखिरी जो दिख रहा है आपको दैट इज ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस सी सो एज इट इज़ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स से निकल के आ जाता है तीनों फॉर्मूला को हम अगर पुट करें तो टू टाइम्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ई पावर का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी पहले टर्म में टू टू कैंसिल हो जाएगा सो फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आएगा वह है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी सो दिस इज योर फाइनल आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट भी था उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये भी काफी सिंपल इंटीग्रेशन है आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगा अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ना देखे अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द एंटी डेरीवेटिव ऑफ अगर एंटी डेरीवेटिव भी बोला जा रहा है ना दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है तो ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेक एक्स को दोनों टर्म्स के साथ सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स तो सेक एक्स टेन एक्स ये होल का डी एक्स हो जाएगा अभी ये हम इसको दो टर्म में स्प्लिट भी कर सकते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx एक्स यहाँ पर अभी फिलहाल फिर से दो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा सबसे पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा मैं अभी लिखते जा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी और दूसरा जो फार्मूला है ये डायरेक्ट फार्मूला है सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी सो सिंपल हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दिस इज़ टेन एक्स प्लस sec x plus c. So this is your final answer. I hope यहाँ तक आपको ईजिली समझ आ गया सारा चीज़ अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. टू तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है थोड़ा ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स पावर फोर सच दैट एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ़ टू इक्वल्स टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आप ये मत समझिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर ये फंक्शन का हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बिकॉज वी नो दैट द ऑपोजिट और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेट इसको कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे जो आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स पावर फोर उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सारा स्टेप अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो बोथ साइड्स अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री अपन एक्स पावर फोर एंटायर का डी एक्स सो लेफ्ट हैंड साइड जनरली आप बोल सकते integration और derivative cancel हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है सो एफ ऑफ एक्स हमारा बचेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू राइट साइड में हमारा इंटीग्रेशन अगर ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एक्स क्यूब माइनस थ्री अगेन इन कॉन्स्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको डी एक्स कर देता हूँ माइनस थ्री टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स पावर फोर डी एक्स आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया फिर से मैं एक बार बता देता हूँ फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया हम ये स्प्लिट कर रहे हैं दोनों टर्म को तो एक्स क्यूब यहाँ पर आ गया फिर ये थ्री कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो माइनस थ्री हो गया और वन अपॉन एक्स पावर फोर डी एक्स इतना हो जाने के बाद अभी तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज है जो हमारे फार्मूला बताया एक्स पावर एन का फॉर्मूला सो फोर इंटू एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ अभी यहाँ पे क्या बात आता है दिस इज डिनोमिनेटर में पावर है अगर डिनोमिनेटर में पावर है इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस फोर डीएक्स अगर माइनस फोर डी एक्स आ गया डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे एक्स पावर माइनस फोर का इंटीग्रेशन डीएक्स तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर माइनस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस फोर प्लस वन आ जाएगा सो so ये कितना हो जाता है दिस इज माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू फोर फोर कैंसिल कर लेते हैं एक्स पावर फोर माइनस थ्री इन टू एक्स पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री ये थ्री थ्री कैंसिल ये माइनस और ये माइनस कैन कन्वर्ट हो के मतलब मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारा कितना बचता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर फोर प्लस सी भी मैं कर देता हूँ एक्स पावर फोर प्लस अभी एक्स पावर माइनस थ्री न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वैल्यू अभी एक बार के लिए हम लोग हमारे ऑप्शन से मैच करते हैं कौन सा वैल्यू हमारे आंसर्स के साथ मैच होता है सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स पावर ओके यहाँ पर अभी हम लोग बस सॉल्व किए हैं सी को यूज़ करके बट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कुछ वैल्यूज हैं तो क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट आंसर निकालना है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो एफ ऑफ टू इक्वल टू ज़ीरो दिया गया है तो वो फंक्शन में x के जगह पे टू इक्वेट करके हम जीरो निकालेंगे उसके बाद जब c का वैल्यू निकल जाएगा उसको पुट करके हम ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन निकलेगा तो सबसे पहले ये फंक्शन हमें मिल गया फंक्शन में क्या करेंगे एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो हम लोग इक्वेट uh, करेंगे क्योंकि दिस थिंग दिस इज ऑलरेडी गिवेन उसके बाद हम x के जगह पे टू निकालते हैं तो एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा टू uh, की पावर फोर प्लस वन अपॉन टू का क्यूब प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू जीरो दिया गया है यहां पे एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो सो दिस एम्प्लाइज टू का पावर फोर कितना हो जाएगा टू टू जै फोर टू जै एट टू जै सिक्सटीन तो सिक्सटीन प्लस वन अपॉन टू क्यूब इज एट प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो अगर सी का वैल्यू निकाले तो ये दोनों को उस तरफ भेजना पड़ेगा तो माइनस सिक्सटीन माइनस वन बाई एट एल सी एम अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एट निकालेंगे तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा सिक्सटीन इंटू एट तो ये हो जाएगा माइनस वैल्यू आ जाएगा तो माइनस वन ट्वेंटी एट और फिर माइनस वन दैट इज इक्वस टू माइनस वन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई एट दिस इज द वैल्यू ऑफ c किसका वैल्यू है ये ये c का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग यहां पे लिखते हैं c इक्वल टू माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट अभी जो हमारा फाइनल एफ ऑफ एक्स आया कौन सा इक्वेशन आया था सपोज इसको इक्वेशन वन मान लो तो ये इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्या पुट करेंगे पुट c इक्वल्स टू माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में अगर ये वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस सी का वैल्यू यानी कि माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स क्यूब देन माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट दिस इज एफ ऑफ एक्स सो दिस इज योर फाइनल आंसर वहाँ पे c तक आया था c के बाद हम लोग वैल्यू पुट करके निकाले सी का वैल्यू और फिर ये आंसर है इसको अब हम ऑप्शन के साथ मैच करेंगे जो सॉल्व किए थे यहाँ पे देख सकते हो x पावर फोर प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है सेम यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे भी रिजेक्ट हो गए लास्ट में ये दोनों में क्या है यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो हमारे आंसर में क्या आ रहा था माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे दिस इज योर करेक्ट आंसर आप फिर से भी मैच कर सकते हैं दिस इज योर करेक्ट आंसर माइनस वन ट्वेंटी बाई तो इसी तरीके से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे